कभी आपने सोचा है कि स्कूल के अंदर आप जब भी जाते थे तो सबसे पहले प्रेयर का ही सेशन क्यों होता था? प्रेयर के सेशन के बाद आप फर्स्ट पीरियड अटेंड करते थे, उसके बाद आपके 4 पीरियड्स के बाद लंच ब्रेक क्यों होता था, या आप उसके बाद 4 पीरियड्स लेने के बाद आपकी छुट्टी क्यों हो जाती थी? ये आपने कभी ये चीज सोची है? ये क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप स्पेसिफिक टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? स्कूल एक ऐसी जगह होती है जो आपके बेसिक नेचर को चेंज करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ आपको एजुकेट करने की कोशिश करता है कि आप इसके साथ पैदा नहीं होते हैं, इसमें आपकी कुछ डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से आप अपनी चीजों को डेवलप करते हैं। एक लिमिटेड समय के साथ ये मेंटर, ये टीचर्स, ये स्कूल हमारे साथ होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये चीजें हमें खुद डिसाइड करनी होती है। जो इसको अपनी लाइफ में फॉलो कर लेता है वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, लेकिन जो इसको फॉलो नहीं कर पाता वो शायद इसको अपनी लाइफ में नहीं आगे कुछ बड़ा कर पाता है। क्या आप जानते हैं सुंदर पिचाई को? क्या आप जानते हैं बराक ओबामा को? क्या आप जानते हैं रतन टाटा को? क्या आप जानते हैं धीरूभाई अंबानी को? ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक चीजों को बहुत ही समान रखा है, जिसका मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेसिकली आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोचिंग होती है जो आपको शुरू से ही सिखाई जाती है। डिसिप्लिन इज सेटिंग लिमिट्स एंड करेक्टिंग मिसबिहेवियर्स। डिसिप्लिन आल्सो इज इनकरेजिंग चिल्ड्रन, गाइडिंग देम, हेल्पिंग देम फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड टीचिंग देम हाउ टू थिंक फॉर देमसेल्फ। दोस्तों डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है जो आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा पॉलिश करती है। सो दोस्तों डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डिसिप्लिन के अंदर अपनी चीजों को रखा तो आप बहुत जल्द अपने आप को हाई फ्रेम में देखते हैं, और जिसने भी इसको नहीं समझा वो शायद बहुत लंबी छलांग नहीं मार पाता है। सो डिसिप्लिन, व्हाई डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन क्यों, क्या रीजन है इसका? बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ हम पैदा नहीं होते हैं, जिसमें हमें चीजों को सीखना ही होता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ें देना चाहता है जो उसने अपने पूर्वजों से सीखी होती। क्यों आप लगाते हो अपने नाम के पीछे सरनेम? क्यों आप वही काम करते हैं जो आपके फादर या मदर करते हैं? क्योंकि उनको एक डिसिप्लिन अपने प्रॉफिट से मिला हुआ है, अपने पूर्वजों से मिला हुआ है, जो आप फॉलो करते हैं। तो यही लाइफ का सिद्धांत होता है। बिजनेसमैन का इंसान बच्चा बिजनेसमैन बनता है, नौकरी करने वाले का बच्चा हमेशा नौकरी करता है, तो ये एक प्रथा चलती आ रही है, लेकिन इसको चेंज वही कर पाता है जो अपनी बेसिक चीजों को समझता है, अपने अनुशासन को समझता है, अपने डिसिप्लिन को समझता है। सो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बेसिकली हमें समझना है कि डिसिप्लिन क्या है। पनिशमेंट इज द ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ इफेक्टिव गाइडेंस और डिसिप्लिन। जब हम स्कूल में होते हैं और हम अनुशासनहीनता करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, तो उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि बच्चे के माइंड में सबसे बड़ी चीज ये आ जाए कि अगर मैं डिसिप्लिन में नहीं रहा तो शायद हो सकता है कि मेरे को पनिश किया जाए। ये आपको इसलिए सिखाया जाता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ा सके, अपने गोल को प्राप्त कर सके। वेन टू डिसिप्लिन ओनली इफ दे अंडरस्टैंड इट वॉज रॉन्ग, इफ इट वॉज इंटेंशनल। देखो कुछ चीजें पता होता है कि डिसिप्लिन के दायरे में नहीं आती, अगर वो चीजें हम करते हैं तो हमें पनिशमेंट उस चीज की मिलती है। सो दोस्तों 3 keys टू इफेक्टिव डिसिप्लिन, बीइंग अ रोल मॉडल, सेटिंग लिमिट्स, यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये 3 पार्ट ऐसे हैं जिसमें हमें डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाता है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करते हैं, किस तरीके से अपनी गोल्स को सेट करते हैं, और इस गोल को सेट करने के बाद किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको डिसिप्लिन को समझना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार चलने दो, जैसा चल रहा है जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चेंज करनी होती है, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लाइफ के ऊपर